प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं तान्या मौर्य, आपके साथ स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। भारत एक दिन में ही नहीं और ना ही एक साल में, बल्कि भारत को आजाद होने में कई सदियां लग गई। आज हम आपको सुनाते हैं भारत की आजादी की 200 वर्ष पुरानी कहानी। क्या आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब और कहां कदम रखा? क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी किस राज्य से उठी थी? क्या आप जानते हैं कि फूट डालो और राज करो की नीति देश के किस हिस्से से शुरू हुई थी? ऐसे एक ही नहीं, कई दिलचस्प किस्से जो शायद ही आपने सुना होगा, आज हम आपको बताएंगे ऐसी एक नहीं कई सच्ची घटनाएं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत में अलग अलग रियासतें थीं और इसी सोने की चिड़िया पर ब्रिटिश शासन की गिद्ध नजर पड़ गई और ब्रिटेन की राजशाही में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बन गई थी व्यापार के लिए और उसका झंडा भी ब्रिटेन से अलग था, लेकिन उसका असली मकसद दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फैलना था। 1608 ये वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई थी और समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के गुजरात के सूरत में सबसे पहले दाखिल हुई। अंग्रेजों को पता था कि भारत में अगर व्यापार और उसका विस्तार करना होगा तो मुगल शासकों को वश में करना होगा और इस रणनीति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने लालच और चापलूसी का सहारा लिया। सन 1613 में मुगल शासक जहांगीर को अंग्रेजों ने सूरत में व्यापार कार्यालय बनाने की आज्ञा दे दी और इसके बाद से ही अंग्रेजों की भारत पर बुरी नजर पड़ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि अपने देश से 20 गुना बड़े सबसे धनी मुल्कों में से एक देश पर शासन करने की मंशा लेकर आई है। सन 1920 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के 38 काबू की जिम्मेदारी का अधिकार मिल गया था। ये पहला मौका था जब अंग्रेजों को भारत की जमीन पर कब्जा करने का मौका मिला था और इसके बाद अंग्रेजों ने सत्ता कब्जाने का सिलसिला बंगाल से ही शुरू किया। 18वीं शताब्दी के मध्य बंगाल भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक था और इस राज्य के शासक थे नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल की संपन्नता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुगल शासन के राजस्व का 50% बंगाल से ही आता था और नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों ने पहली बार फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। 23 जून 1757 यही वो तारीख थी जिससे भारत में ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना का दिन कहा जाता है। दरअसल अंग्रेजों ने मीर जफर को राजा बनाने की लालच देकर उसे नवाब के साथ विश्वासघात करने को मजबूर कर दिया, जिससे ये हुआ कि नवाब के अंग्रेजों की तुलना से सैन्य ज्यादा होने के बाद भी सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और अंत तक नवाब ने जंग के मैदान में अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाला कोई जंग हुआ था।
इसके बीच 29 मार्च 1857 को एक घटना घटी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी लगाई। अगर हम बात करें 1857 की, तो मंगल पांडे का जिक्र ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ब्रिटिश सेना में काम करने के दौरान मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अंग्रेजों को मंगल पांडे की गतिविधियों से डर लगने लगा था, जिसके चलते अंग्रेजों ने मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी। इससे मंगल पांडे इतिहास के पन्ने में तो शहीद हो गए, लेकिन आजादी के लिए देश में एक ऐसी चिंगारी लगा गए जो आगे चल के अंग्रेजों के लिए काल बन गया। मंगल पांडे की ये आजादी के लिए लगाई चिंगारी ज्वालामुखी की तरह फटना शुरू हुई, जो कभी भी शांत नहीं हुई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में अंग्रेजों ने सांप्रदायिक आग भड़काना शुरू किया, जिससे छावनी में तैनात अफसरों को मौत की घाट उतार दिया। इस घटना के बाद सैकड़ों सिपाही दिल्ली की ओर भागे। दिल्ली पहुंचने पर सिपाही लाल किले की ओर बढ़ गए, जिसके बाद सिपाही विद्रोह से ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली पर शासन खत्म हो गया और लखनऊ में विद्रोह की आग दिखने लगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये वाक्य है उस वीरांगना का जिन्होंने ब्रिटिशों के सामने कभी घुटना टेकना मंजूर नहीं किया। सन 1857 में अंग्रेजों को सबसे कड़ी टक्कर देने वालों में शामिल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा को याद किए बिना ये कहानी अधूरी है। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी की रानी और भारत की स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम वनिता थी। भारत को दासता से मुक्त कराने के लिए सन 1857 में बहुत बड़ा प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध रणयज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सर्वोपरि माना जाता है। झांसी की रानी, जो इस बात से बहुकुपित थी कि 1853 में उनके पति के मरने पर लॉर्ड डलहौजी ने जब्ती का सिद्धांत लागू करके उसका राज्य हड़प लिया था, रानी को असहनीय वेदना हो रही थी, परंतु मुख्य मंडल दिव्यकांत से चमक रहा था। उन्होंने एक बार अपने पुत्र को देखा और फिर वो तेजस्वी नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। वो 17 जून 1858 का दिन था जब क्रांति की ये ज्योति अमर हो गई और उसी कुटिया में उनकी चिता लगाई गई, जिसे उनके पुत्र दामोदर राव ने मुखाग्नि दी। रानी का पार्थिव शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो गया और वो सदा के लिए अमर हो गए। आजादी के आंदोलन में सन 1915 में एक अहम पड़ाव आया, जब शांति और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी का आगमन हुआ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह आंदोलन को सफलता भारत की आजादी का अहम हथियार बनाया, वो भी उस वक्त जब बंगाल सहित पूरे देश में वैकल्पिक आंदोलन जोरों पर था। तब गांधी जी ने अहिंसा को शांति से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मजबूत इरादा बनाया। गांधी जी को ऐसे ही महात्मा गांधी नहीं कहा जाता है, भले ही ये नाम कोई विदेशी शख्स ने दिया हो, लेकिन ये उपाधि देने वाला भी कोई आम जनता नहीं, वो कोई और नहीं बल्कि विश्व कवि या कवियों के कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। इंग्लैंड से वकील की पढ़ाई करने के बाद गांधी जी ने 1910 से 1911 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। उस समय अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत की लड़ाई चल रही थी, जिसका शिकार खुद गांधी जी भी हुए। इसके बाद गांधी जी ने वहां की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और अपने सत्याग्रह आंदोलन के जरिए अफ्रीका में अश्वेतों को न्याय दिलाया। सन 1915 में गांधी जी स्वदेश लौटते ही सबसे पहले अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श से भारत का भ्रमण किया। 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के बल पर सफलताएं हासिल की। सन 1913-13 अप्रैल भारत की आजादी के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन के तौर पर माना जाता है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से पूरा देश मौन था। इस नरसंहार के बाद ब्रिटिश हुकूमत का रवैया नहीं बदला और उसने अपना दामन जारी रखा, जिसे देश के युवा क्रांतियों में आग की ज्वाला फूट उठी और उस क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा का रास्ता अपनाया, जिसका नतीजा 1939 के बाद देखने को मिला। देश में अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन अहिंसक था और देश भर में इसे समर्थन मिला। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने स्वराज की मांग की और लोगों ने ब्रिटिश सामान खरीदना बंद कर दिया और स्वदेशी सामान के उपयोग को बढ़ावा दिया। असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई शक्ति प्रदान की और इसका कितना असर था, इसका जिक्र गांधी जी के साथ देश भर की यात्रा करने वाले प्रभुदास गांधी ने किया। प्रभुदास गांधी ने कहा कि जब आप सभी विरोध जताने के लिए अपनी टोपी, पगड़ी और दुपट्टा उतार दीजिए तो लोग फौरन उतार कर फेंक देते। क्रांतिकारी आंदोलन जो 1905 में खुदीराम बोस ने देश के युवाओं में चिंगारी लगाई थी, वो 1924 से 1934 तक देश भर में देखने को मिली और लाहौर षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र जैसे हिंसक घटनाएं हुई जो इतिहास के पन्ने में वीर गति को प्राप्त कर शहीद हो गए। अगर हम आजादी के इतिहास की बात करें तो उस महान क्रांतिकारी का जिक्र न हो तो ये कहानी अधूरी है, जिनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वो कोई और नहीं, हमारे नेताजी हैं। उनकी बलिदान और कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। उस महान सेनानी का पूरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी देने से पहले हम आपको ये बता दें कि उनके नाम के आगे नेताजी लगाया जाता है, लेकिन ये उपाधि उन्हें उस समय के सबसे तानाशाह शासक हिटलर ने दिया था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुभाष चंद्र का दुनिया भर में कितना महत्व था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिसके लिए आजादी का मतलब था पूर्ण स्वराज्य। सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए गए थे, लेकिन जलियांवाला बाग की घटना ने उन्हें आजादी के आंदोलन में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। आजादी के आंदोलन में एक नया मोड़ आया 1942 में, जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। तब मुंबई में सभा करते हुए गांधी जी ने कहा कि आजादी से काम कुछ भी नहीं, और इस सभा में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का गांधी जी ने ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही गांधी जी और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश भर में अलग अलग शहरों में हिंसा शुरू हुई और पूरे देश में करीब 80,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 2 साल बाद 1944 में गांधी जी को रिहा किया गया। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन वापस ले लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों पर बड़ा प्रहार किया था और देश में आजादी के लिए छटपटाहट और बढ़ा दी थी। अंग्रेज समझ गए थे कि अब भारत पर कब्जा बनाए रखना उनके लिए मुश्किल है। देश के स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों का संघर्ष अंत में रंग लाया और 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जब घड़ी की सुई 12 बजे पर पहुंची और 15 अगस्त की तारीख आई तो हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया और 15 अगस्त की सुबह नए हिंदुस्तान का जन्म हुआ। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और वीर क्रांतिकारियों को हमारा शत-शत नमन है। आज देश की आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं और हम 76वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी को आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।